वर्तमान परिस्थितियों और तीसरी लहर को देखते हुए कोटा में कोचिंग स्टूडेंट का आना खतरनाक साबित हो सकता है। विशेषज्ञों ने पहले ही चेतावनी दे रखी है कि कोविड-19 की तीसरी लहर सितंबर या अक्टूबर महीने तक आने की संभावना है और तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा खतरा बच्चों को होने की संभावना है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अभी तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पाई है। वहीं केरल व महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर इन राज्यों से कोचिंग स्टूडेंट कोटा में आते हैं तो कोटा में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। अच्छी बात यह है कि वर्तमान में कोटा में नए कोरोना मरीज नहीं आ रहे हैं। इस बारे में जब अन्य राज्यों के अभिभावकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। जब तक तीसरी लहर का खतरा टल नहीं जाता तब तक बच्चों को पढ़ाई के लिए कोटा नहीं भेजेंगे। इस बारे में MBS अस्पताल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर CP मीणा का कहना है कि कोटा में चिकित्सा विभाग की ओर से तीसरी लहर को लेकर संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। MBS अस्पताल व मेडिकल कॉलेज लेवल पर सुविधाएं बहुत अच्छे स्तर पर बढ़ा ली गई है। पिछले एक महीने से राजस्थान में नहीं के बराबर केस आ रहे हैं, लेकिन जब संक्रमण क्षेत्र वाले राज्यों से बच्चे कोटा में कोचिंग के लिए आते हैं तो यहाँ पर संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। देखो, हम राजस्थान में बहुत करीब लास्ट एक महीने से हमारे यहाँ एक्टिव केसेस जीरो चल रहे हैं, न्यू केसेस जीरो है। तो हम अगर यहाँ के लेवल पे देखें तो हम बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन अगर कोचिंग की बात करते हैं तो बाहर के बच्चे आते हैं और ये ज़्यादातर महाराष्ट्र और केरला में बहुत स्प्रेड से फैल रहा है। अभी भी केरला में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अगर ये महाराष्ट्र केरला से आता है तो उन बच्चों को आते हमें क्वारंटाइन करना चाहिए, उनका RT-PCR कराना चाहिए। जो भी बच्चे राजस्थान से बाहर आते हैं, जो इस अफेक्टेड प्रभावित राज्य से आते हैं, तो हमें उनका टेस्ट करा के क्वारंटाइन करके ही अंदर उनको प्रवेश देना चाहिए। नहीं तो हमें उस एक बच्चे से या जो संक्रमित बच्चे जो बाहर से आ गए तो उसे हमें खतरा बना रहेगा। तो हमें जागरूक रहना है, बाहर के बच्चों को पूरा उनका स्क्रीनिंग कराना है, उसके बाद ही उनको हमें मेस के अंदर कोचिंग के अंदर एंट्री कराना चाहिए।